द्वैत भाव जब विगलित हो जाता है तब जीवन में अभय पद की प्राप्ति और अभिव्यक्ति होती है। अभय कौन होगा? भयम द्वितीया भिनिवेश तस्यात् भागवत 11वां स्कंध। और द्वितीयाद वै भयम भवति, आगे बृहदारण्यक में यह बात आई है। द्वैत है तो भय होगा ही, द्वैत है तो भय होगा। द्वैत का पर्यवसान भय होता है। अब कोई कह सकते हैं कि हमको प्रिय व्यक्ति मिल गया तो द्वैत की प्राप्ति तो हो गई ना, हम हुए और प्रिय व्यक्ति हुआ, प्रिय पदार्थ हुआ, प्रिय व्यक्ति हुआ, प्रिय पदार्थ हुआ, तब तो फल के रूप में भय की नहीं आनंद की या आह्लाद की प्राप्ति हुई। तो भविष्य में क्या होगा, जब प्रिय का संयोग वियोग का रूप धारण करेगा तो दुख मिलेगा या नहीं? बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने बताया कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या को अभी थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा को छोड़ दीजिए, अब चंद्रमा की स्थिति लीजिए, दोनों पक्ष में प्रकाश एक, उसमें कोई अंतर नहीं ना। अंतर क्या पड़ेगा, चंद्रमा का एक में पहले उदय होगा पक्ष में, एक में बाद में, प्रकाश में तारतम्य नहीं होगा। दोनों पक्षों में प्रकाश में तारतम्य चतुर्दशी तिथि तक नहीं, फिर लोक में कृष्ण पक्ष को भला क्यों नहीं मानते, जब दोनों पक्षों में चतुर्दशी तिथि को तक को लेकर सम प्रकाश धूपाख, दोनों पक्षों में समान ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो इसका उत्तर दिया गया पर्यवसान, अमावस्या में पूर्ण रूप से अंधकार, पूर्णिमा में पूर्ण रूप से प्रकाश, विनियोग या विलय के आधार पर एक की निंदा है एक की प्रशंसा है, वस्तु स्थिति है। चतुर्दशी तिथि तक तो दोनों पक्षों में समान ही प्रकाश प्राप्त होता है यह कहा गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर विचार करना चाहिए कि ज्ञान योगक, हाँ तो ये प्रश्न चला कि वहाँ तो अनुकूल की प्राप्ति अभीष्ट की प्राप्ति से आह्लाद है, अभीष्ट भी तो द्वैत है, जहाँ अन्न और अन्नाद भाव है वही तो चल रहा है, जहाँ भोक्ता और भोग्य भाव है, भोक्ति भोग्य भाव है, अन्न या अन्न है मेरा भोज्य है, मैं अन्नाद हूँ इसका भोक्ता हूँ, जहाँ द्वैत है वहाँ तो भय है। भय कैसे है, जब उस सुखद पदार्थ या सुखद व्यक्ति का वियोग हो जाएगा या सुखद पदार्थ के सेवन की क्षमता नहीं रहेगी या इसका कहीं वियोग न हो जाए, संयोग काल में भी इस भाव का उदय होगा तो पर्यवसान की दृष्टि से दुख होगा या नहीं। इसीलिए द्वितीयाद वै भयम भवती का अर्थ होता है कदाचित वर्तमान में अभीष्ट पदार्थ और व्यक्ति के समुपलम्ब से सेवन से सुख भी प्राप्त होता हो तो भी पर्यवसान या विनियोग की दृष्टि से दुख ही समझना चाहिए। आगमा पाइनो नित्या साधो आवे जायसो माया, यह हुआ।